कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया लॉन्चिंग पैड किया, एक सूचना आपके साथ साझी शेयर कर के। अभी तक जैसे बड़ा लॉन्चिंग पैड हमारे पास श्रीहरिकोटा में था, अब भारत के पास एक दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन रहेगा ट्यूटीकोरन तमिलनाडु में, और वो चूंकि दक्षिण की तरफ है तो हमारे रॉकेट को जाने में आसानी रहेगी, उसको घूम के नहीं जाना पड़ेगा, तो उसमें सुविधा भी रहेगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। दूसरा ये कि अब भारत की क्षमता लॉन्चिंग की इतनी हो गई है कि दूसरे देशों के रॉकेट यहां से लॉन्च हो रहे हैं। हमने मोदी जी के ही कार्यकाल में कुल मिलाकर के, यानी आप अमेरिकन लॉन्चेस की बात करें तो हमने लगभग पौने 200 मिलियन डॉलर कमाए हैं, और यूरोपियन सैटेलाइट्स की बात करें लॉन्चिंग्स की तो हमने लगभग 225 मिलियन यूरोस कमाए हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय शुरू हुई थी जबकि अमेरिका पहले से ही चांद पर पहुंच चुका था 1969 में, और हमारी पहली मिशन उसके बाद हुई स्पेस मिशन, लेकिन आज हम सदर्न पोल पर पहुंचने वाले पहले हैं। हमारे चार जो नए एयरफोर्स के ऑफिसर तैयार किए गए हैं गगनयान के लिए, उसमें ग्रुप कैप्टन नायर हैं जो सबसे सीनियर हैं, ग्रुप कैप्टन अंगत हैं, शुक्ला हैं और कृष्णन है। शुक्ला जी तो विंग कमांडर हैं, दूसरे तीन ग्रुप कैप्टन, उनमें भी उनकी क्षमता को भी आज दुनिया स्वीकार कर रही है। जब मोदी जी वाशिंगटन डीसी गए थे तो वहां से ये सुझाव रखा गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने के समय भारत का भी एक एस्ट्रोनॉट उनके साथ जाए, यानी वो भी ये समझते हैं कि कितनी वैल्यू एडिशन हो सकती है यदि हमारा मूल का यहाँ से व्यक्ति जाता है। और आने वाले समय में इतना ही नहीं, स्पेस इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा लाभ रहने वाला है, और अगले 20-22 साल में जो अमृतकाल में मोदी जी कह रहे कि विकसित भारत उस शिखर पटल पर पहुंचेगा, तो उसमें स्पेस इकोनॉमी और दूसरा ये जिसका भी जिक्र किया एग्रीकल्चर इकोनॉमी चाहे वो अरोमा की, और तीसरी मरीन इकोनॉमी जो समुद्र से हमारी संपत्ति निकलने वाली है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन करेंगे। भारत पहले ही इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 6% से अधिक। 2014 में हम 11वें दर्जे पे थे, अभी हम 5वें पर हैं, जल्दी हम 4 होने वाले हैं, और जैसे मोदी ने कहा और फिर 3, और इंग्लिस्तान से भी आगे निकल गए। तो इन सारी बातों में इसलिए संभव हो रहा है कि वो सारे सरवाए, वो सारे रिसोर्सेज जिनको पहली किसी सरकार ने देखा नहीं, ना तराशा ना तलाशा, चाहे वो हिमालयन रिसोर्सेज, चाहे रोमा रिसोर्सेज, चाहे ओशन रिसोर्सेज, चाहे स्पेस रिसोर्स, और इसमें यही संभव इसलिए हुआ कि मोदी जी ने अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया। वो जो बंदिशें जो हमें जकड़ी हुई थी जिसके कारण हमारी एक सीमित प्रगति हो रही थी, उससे हमें मुक्ति प्राप्त हुई है। मात्र 7-8 महीने में 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2023 में 1,000 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने निवेश किया है अंतरिक्ष में स्पेस मिशन, और आज स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे हर शोबे में इस्तेमाल हो रही है, वो भी दुनिया के लिए एक उदाहरण है, चाहे स्मार्ट सिटीज का निर्माण है, चाहे रेलवे लाइंस का है, चाहे रोड बिल्डिंग्स का है, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग है।